नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर आपसे चर्चा करने के लिए समय जुड़े हैं। रोजाना 6 बजे के बुलेटिन में हम हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अपडेट आपके पास लेकर आते हैं। और राज्य सरकार ने आज 4 पुलिस अफसरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना के अनुसार ASP मंडी राजेश कुमार को 4th बटालियन जंगल बैरी भेजा गया है, जबकि DSP जंगल बैरी मनोज कुमार को अब जवाली में DSP लगाया गया है। DSP जवाली सिद्धार्थ शर्मा को 1st IRBN जुनगा में तैनाती दी गई है। 1st IRBN बनगढ़ देवराज को DSP मंडी बनाकर भेजा गया है। ये तबादला आदेश राज्य सरकार ने आज जारी कर दिया। और इसी बीच वन विभाग में भी बड़े स्तर पर अफसरों के तबादलों को लेकर सूची के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। वन विभाग से जारी की गई सूची के अनुसार अब मुख्यमंत्री की अप्रूवल मिलेगी और अगले 1-2 दिनों में CM ऑफिस की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तबादलों पर बैन लगा हुआ है, इसके चलते CM ऑफिस की मोहर लगने के बाद वन अफसरों की ये तबादला सूची अगले 2-3 दिनों में जारी हो सकती है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल होगा, क्योंकि जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे सचिव विकास लाबरू 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट के अलावा इस समय राज्य सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी सी पालरासू बिना विभाग के चल रहे हैं। उनके पास सरकार ने कोई विभाग नहीं दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्हें राज्य चुनाव अधिकारी लगाया गया था, लेकिन किसी कारण के चलते उन्हें उस पद से हटा दिया गया। पद से हटाने के बाद सरकार ने उन्हें कोई विभाग नहीं दिया है। इस कारण माना जा रहा है कि 30 जून को विकास लाबरू की रिटायरमेंट के बाद जो अगली रिशफलिंग की सूची जारी होगी, उसमें सी पालरासू को कोई डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा कई राज्य सरकार के ऐसे प्रशासनिक सचिव हैं जिनके पास भारी भरकम डिपार्टमेंट्स का उनके ऊपर दायित्व है, उनको आधा दर्जन से ज़्यादा विभाग उनके पास हैं। इसके चलते सरकार उन अफसरों के विभागों का भार भी कम कर सकती है, क्योंकि 3-4 ऐसे अफसर हैं उनकी दिल्ली दौड़ ज़्यादा है, दिल्ली ज़्यादा जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा दिए हैं। इसके चलते ये देखा जा रहा, मुख्यमंत्री भी ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी में संतुलन बनाया जाए। यही वजह है कि लाबरू की रिटायरमेंट के चलते यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है, इसकी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी में मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय का उन्होंने लोकार्पण किया। ये राज्य के लिए एक बड़ी सौगात है कि हिमाचल प्रदेश की अब 2 विश्वविद्यालय होंगे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय पर 16,18,00,000 रुपए का खर्च किया जाएगा। विश्वविद्यालय के 2 खंडों का लोकार्पण किया गया है। मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, इन तमाम जिलों के जितने भी छात्र हैं अब इस यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे। साथ में जितने भी सरकारी और निजी कॉलेज हैं वह भी अब मंडी की इस यूनिवर्सिटी के अधीन आ जाएंगे। 141 के करीब ऐसे सरकारी और निजी कॉलेज हैं जो कि मंडी यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे। 52 वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश को दूसरा विश्वविद्यालय मिला है। 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश शिमला स्थित विश्वविद्यालय की सौगात मिली थी। 2 विश्वविद्यालय अब हिमाचल प्रदेश में होने के कारण सीटों में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के लिए अब आसानी से छात्रों को प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी में थे, अपने गृह जिला में थे, प्रदेश के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी की सौगात दे रहे थे। लेकिन इस दिन हिमाचल प्रदेश कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं वो सरकार से खफा थे, नाराज़ थे। उन्होंने स्ट्राइक की, यहाँ पर चेतावनी दे रखी थी कि हम बिल्कुल शिक्षा बंद कर देंगे, ठप कर देंगे, छात्रों को नहीं पढ़ाएंगे। और जितने भी यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे उन्होंने आज से इसकी घोषणा कर दी थी। और साथ में जो दूसरे टीचर्स थे कॉलेज के, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि 5 जुलाई के बाद कॉलेज खुल जाएंगे, लेकिन हम छात्रों को नहीं पढ़ाएंगे। इस कसमकस के बीच जब CM वहाँ पर पहुँचे तो परिस्थितियों को भांपते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संशोधित UGC स्केल का ऐलान कर दिया। 1 माह के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी, ये उन्होंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल था कि 1 महीने के भीतर UGC स्केल की सौगात दी जाएगी, क्योंकि शिक्षक हड़ताल पर थे। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के तुरंत बाद शिक्षकों ने हड़ताल अपनी समाप्त कर दी और
इस पूरे मामले की बात की जाए तो शिक्षक लंबे समय से यूजीसी स्केल मांग रहे थे, पंजाब ने नहीं दिया था, लेकिन देश के कई राज्य इसे दे चुके थे। बड़ा सवाल सीएम की इस घोषणा के बाद जो सबसे बड़ा सवाल होगा कि यूजीसी की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है, ऐलान किया कि एक महीने के भीतर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, लेकिन यूजीसी स्केल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल सीएम अपनी घोषणा के बाद छोड़ गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार की एक्सरसाइज शुरू हुई थी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यूजीसी स्केल को लेकर चर्चा की थी और उसमें ये प्लान बना था कि सरकार के पास एक मुश्त इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि यूजीसी स्केल जारी कर दिया जाए। प्लान ये हुआ कि इन कर्मचारियों को यूजीसी स्केल उनकी घोषणा कर दी जाती है, उसे कैबिनेट में मामले को ले जाया जाता है, लेकिन इन जितने भी यूजीसी का स्केल देना है एक मुश्त देने की बजाय चरणबद्ध तरीके से दिया जाए, कम दिया जाए, सरकार की वित्तीय हालत कैसी है उसको स्टडी कर लिया जाए। यानी कि इस पूरे जमा जोड़ में ये मामला लटक गया। उसके बाद योजना ये भी बनी कि किसे दिया जाए, सबसे पहले किसे दिया जाए, या सभी जितने भी यहाँ पर करीब 4000 के करीब है, 3600 कुछ एक इनका आंकड़ा है, उनमें से कुछ एक को दिया जाए या सभी को दिया जाए, पहले यूनिवर्सिटी में दिया जाए या कॉलेजेस में दिया जाए। अंततः सहमत बनी कि देना होगा तो सबको एक साथ देना पड़ेगा। हाँ, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में फैसला हुआ था कि इसे चरणबद्ध तरीके में दिया जाएगा ताकि सरकार पर ज़्यादा वित्तीय बोझ ना पड़े, एक साथ सरकार को पैसे ना देना पड़े, लेकिन कब दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, क्योंकि रिवाइज स्केल यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आम कर्मचारियों को नया स्केल मिल गया, लेकिन अभी भी प्रोफेसर को रिवाइज स्केल नहीं मिला है। तमाम शिक्षक जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके साथ भी न्याय करेगी, लेकिन अब भी हम बार बार कह रहे हैं कि ये देखना होगा कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। पंचायतों में सेवाएँ दे रहे जिला परिषद काडर के कर्मचारी भी उग्र आंदोलन पर उतर आए हैं। इन कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर रखा है। 4700 कर्मचारी इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि पंचायती राज में मर्ज न करने से इनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। 90% स्टाफ इनका जिला परिषद से है, बावजूद इसके सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। जिला परिषद कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगे ना पूरी होने तक उनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। इसी बीच शिक्षा विभाग से खबर आई है कि 8 जुलाई से नेट की परीक्षा होगी। यूजीसी ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 500 से ज़्यादा शहरों में परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 50 के करीब सेंट्रीज के लिए आइडेंटिफाई करने की तैयारी की गई है, ऐसी पहचान कर ली है, 50 इसके लिए सेंटर बनाए जाएंगे और इसकी परीक्षाएँ 8, 9, 11, 12 जुलाई को होंगी। इसके अतिरिक्त अगस्त महीने की 11, 12, 13 और 14 तारीख को भी इसकी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसके पीछे बड़ी वजह है कि 2022 और दिसंबर 2021 की नेट परीक्षा मर्ज कर दी है। ये दोनों परीक्षाएं इस बार आयोजित होगी, यही वजह इसके लिए लंबी डेट्स दी गई है। परीक्षाओं के लिए कई दिन मुकर्रर किए गए हैं। 30 जून तक हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए दाखिलों की तिथि बढ़ा दी गई है। ये इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी है, स्कूल प्रिंसिपल्स को आदेश दिए हैं। बिना लेट फीस लिए हिमाचल प्रदेश के छात्रों को 12वीं के छात्रों के दाखिले 30 जून तक विदाउट लेट फीस होंगे, इस बारे में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे राज्य के कर्मचारियों के डीए की, क्योंकि यूजीसी का ऐलान कर दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा, तमाम जितनी भी घोषणाएं की थी, चाहे राइडर देने की बात थी, राइडर हालांकि 2 साल का अब भी जारी रखा गया, 2012 में जिन कैटेगरीज को हायर स्केल दिया गया था, चाहे उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के बाद रेगुलाइजेशन 3 साल का था, इसके अलावा उनका 2 साल का राइडर था, यानी कि 5 साल के बाद उन्हें जो वित्तीय लाभ है, अगला वित्तीय लाभ मिल रहा था, ये तमाम व्यवस्थाएं लगातार चल रही थी। और इस बार भी ये सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि 2012 में जिन कैटेगरीज को हायर स्केल का राइडर का बेनिफिट दिया था, उन्हें जो इस पोजीशन में है, यानी चाहे वो डेली बेजर है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, रेगुलर है, उन तमाम कर्मचारियों को ये लाभ मिलता रहेगा। सरकार की नोटिफिकेशन साफ बताती है कि ये जो 1 जनवरी 2016 को नया स्केल आया है, इस स्केल में भी इसे बाद में शामिल सरकार कर सकती है, यानी कि जो 3 जनवरी 2022 के बाद सरकारी सेवा में आएगा
उसे भी ये राइडर उस पर लागू रहेगा, उसे भी हाई स्केल का लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन हुई है, इस नोटिफिकेशन को अगर गहनता से इसकी स्टडी की जाए तो साफ इससे इंडिकेशन यही मिलता है कि सरकार इस व्यवस्था को आने वाले अगले कर्मचारियों के लिए भी जारी रख सकती है, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में 4/9/14 का फैसला होना है, इस तरह भी सरकार आगे बढ़ने लगी है, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को 3% डीए देने की तैयारी में है। इसके लिए वित्त विभाग से तमाम व्यवस्था कर ली गई है, सरकार ने इसका पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है। 1 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 31% डीए दिया गया था इस समय अवधि से, लेकिन केंद्र सरकार की बात की जाए तो सेंटर 1 जनवरी 2022 से ये 3% की सौगात दे चुका, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 34% डीए मिल रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 31% डीए दिया जा रहा है। 1 जुलाई से सेंटर फिर इसकी घोषणा करेगा, यानी कि डीए को 34% से फिर बढ़ा देगा। इस कारण हिमाचल सरकार अब सेंटर का पीछा करते हुए 31% से 34% डीए देने की तैयारी में है, और माना जा रहा है कि वित्त विभाग ने इसकी पूरी एक्सरसाइज बना ली है। इसके लिए कितनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होगी, इसका लेखा जोखा मुख्यमंत्री को बता दिया गया है, और किसी भी इसमें डीए की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी कर ली है, प्लानिंग एरियर देने की भी हो चुकी है, और पुख्ता सूचना के अनुसार 15 अगस्त को इसकी घोषणा की जा सकती है। इसकी पूरी संभावना बन रही है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को एरियर की घोषणा 15 अगस्त को की जाए। हालांकि जिस प्रकार का ये चुनावी वर्ष है, जिस प्रकार का टेम्पो, चाहे एमसी शिमला के चुनावों की बात की जाए, आने वाले विधानसभा चुनावों की बात की जाए, सरकार 15 अगस्त से पहले भी इस सौगात का ऐलान कर सकती है, क्योंकि तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। एक तरफ सरकार के लोग चाहते हैं कि 15 अगस्त को एरियर का ऐलान किया जाए, लेकिन कुछ मुख्यमंत्री के जो उनके वजीर हैं, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उनका ये भी सुझाव है कि 15 अगस्त से पहले भी एरियर की घोषणा की जा सकती है। राज्य के कर्मचारियों को 12,500 करोड़ का एरियर देना है 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच 12,500 करोड़ का ये एरियर बनता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी 50% एरियर एक मुस्त डिमांड कर रहे हैं, चाहे 15 अगस्त को घोषणा की जाए या इससे पहले घोषणा हो, लेकिन प्रदेश का कर्मचारी चाहता है कि कम से कम हमारा 50% एरियर एक साथ दिया जाए, क्योंकि 30% कई ऐसी कैटेगरीज में आ चुके हैं जो कि 30% इसमें इनकम टैक्स ले जाएगा, ऐसे में कईयों की रिकवरी बनती है, तो कर्मचारियों का मानना है कि कम से कम 50% सरकार उनका यहां पर एरियर दे देती है तो उनके लिए थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन 6,000 करोड़ सरकार को एक साथ निकालना पड़ेगा। जो सूचना है सरकार के अंदर खाते, वो 25% डीए देना चाहती है, यानी कि 3,000 करोड़ का सरकार यहाँ पर प्रबंध कर चुकी है एरियर के रूप में, लेकिन चुनावी साल है, कुछ भी संभव है, 3,000 करोड़ की बजाय 6,000 करोड़ भी मिल सकता है। 25% सरकार की एरियर देने की प्लानिंग है, ये 50% तक भी जा सकती है, क्योंकि कर्मचारी ऐसा चाह रहे हैं। कोरोना संक्रमण की बात करें तो सावधानी बरतने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मंडी जिला की पॉजिटिविटी रेट 1 महीने की बात करें 6% से ऊपर जा चुकी है, कांगड़ा में भी संक्रमण दर 6% के करीब पहुंच गई है, 7 दिन के भीतर राज्य की संक्रमण दर में जबरदस्त उछाल आया है। आप पूरे हिमाचल प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट देखिए, बिलासपुर 1.1, हमीरपुर 1.3, चंबा 1.7, ऊना 1.8, शिमला 1.9, किन्नौर 2.2, कुल्लू 2.6, सिरमौर 2.9, लाहौल 3.4, सोलन 3.7, कांगड़ा 5.9, मंडी 6.3, 1 महीने की संक्रमण दर है, और आज की समूचे प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट दर की बात की जाए तो 4.46% पॉजिटिविटी रेट आज एक दिन का हिमाचल प्रदेश का, और अकेले मंडी जिला की आज की बात की जाए, मंडी जिला का पॉजिटिविटी रेट 10.93%, यानी कि 11% लोग मंडी जिला में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, जितने भी लोगों के टेस्ट हो रहे हैं उनमें 11% कोरोना संक्रमित मंडी जिला में पाए जा रहे हैं। हमीरपुर का पॉजिटिविटी रेट आज का 7.33 है, कांगड़ा का 5.43 है, जबकि शिमला का 5.20
संक्रमण दर पहुंच गई है। आज हिमाचल प्रदेश में कुल 2688 टेस्ट हुए, 120 संक्रमित पाए गए और कांगड़ा जिला की बात की जाए तो 188 एक्टिव हो चुके हैं, जबकि समूचे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 441 पहुंच गई है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने एक बार फिर मास्क लगाने की एडवाइजरी जारी कर दी है। जनता से अपील की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जा रहा है कि जनता को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। उधर मंडी जिला के ओट की बात की जाए तो ओट टनल में एक दर्दनाक हादसा होने से 2 युवकों की मौत हुई। दोनों बाइक सवार युवक थे, वह मंडी की तरफ जा रहे थे और उनकी बाइक एक पर्यटन वाहन से टकरा गई। इसके चलते दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई और बाइक सवार में नरेश कुमार रामपाल है जिन्होंने दम तोड़ा है। मंडी के नरेश रहने वाले थे जबकि बिलासपुर के रामपाल थे, दोनों की दुखद मृत्यु हुई है। टूरिस्ट वाहन से टकराने से ये हादसा पेश आया। टक्कर मारने के बाद पर्यटक फरार हो गए थे, लेकिन मंडी पुलिस ने भ्यूली पुल के समीप नाके के दौरान इस पर्यटक वाहन को दबोच लिया और इनके खिलाफ केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चंबा के साच पास के निकट एक बार फिर सड़क हादसे में सुमो दुर्घटनाग्रस्त हुई। पिछले कल वहां पर एवलांचिज आ गए थे, भूखंड गिरे थे, बस चपेट में आ गई थी, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। आज सुमो वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए और इनमें 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बात करें तो मानसून की बौछारें कल जबरदस्त तरीके से बरस सकती हैं, इसकी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये सूचना, ये अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया कि मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। 30 जुलाई को राज्य में भारी बारिश होगी। 1 व 2 जुलाई को मौसम जमकर कहर बरसाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रहेगा। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।